यू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के फसल करम से। और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम। और इस टाइम टाइम हो रहा है 8:15, सुबह की 8:15 हो गई हैं, क्योंकि सुबह सुबह उठने से इंसान की हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक रहती है। तो सर्दियां हैं, थोड़ा उठना तो मुश्किल है सुबह, लेकिन फिर भी उठना चाहिए। तो चलें चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है ड्राई स्किन। तो ये वीडियो ड्राई स्किन वालों के लिए है, जिनकी स्किन मेरी तरह बहुत ड्राई है, वो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर कर दें। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरी स्किन भी बहुत ड्राई है और सर्दियों में सबकी स्किन ड्राई हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग सर्दियों में पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। और कुछ लोगों की स्किन वैसे भी ड्राई स्किन होती है, क्योंकि स्किन की थ्री टाइप्स होती हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन। तो ड्राई स्किन वालों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप डव का मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है ड्राई स्किन वालों के लिए, क्योंकि ये डीप केयर कम्प्लेक्स मॉइस्चराइजिंग देता है आपको। और अगर कोई बजट में, जो के बजट में मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है मॉइस्चराइजिंग पे, जो कि है बेबी लोशन है, अगर वो यूज़ कर लें बेशक, अगर आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है, वो तो हर स्किन के लिए। लेकिन अगर आपकी स्किन का कोई मसला है, ड्राई है, तो प्लीज़ इसको ऐसे मत छोड़ें, ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने अपने हैंड पे ट्राई किया है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं, अल्लाह।